वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी अपने यूट्यूब फैमिली को। हम 6K फैमिली हो गए हैं और 6K पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरी वीडियोस से बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है, ये देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब आपका बच्चा 3+ हो जाता है यानी 3.5 साल के बच्चों को स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाती हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे बेटे की स्क्रैप बुक है और इसमें कौन कौन सी पूरे साल भर में एक्टिविटीज कराई गई थी। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो गई तो मैं आपको 2 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड कर दूंगी, अदरवाइज मैं इस वीडियो को एक ही पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट जो एक्टिविटी अप्रैल में कराई गई थी वो है अर्थ डे। अर्थ डे के बारे में बच्चों को बताइए, उनको इस तरह की आप एक वर्कशीट निकलवा सकते हैं जिसको बच्चा कलर करे। जिन बच्चों का न्यू सेशन में अभी एडमिशन होना है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। फर्स्ट अर्थ डे यहाँ पे अप्रैल में ये वर्क कराया गया था, आप इस तरह की वर्कशीट निकलवा सकते हैं और उसको आप बच्चे को इस तरह से 2 कलर्स कराएंगे हम, जिससे बच्चे को पता लगेगा हम किस तरह से अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। सेकंड एक्टिविटीज, नाउ सेकंड एक्टिविटी माय सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर यू, सर्कल द राइट पिक्चर। बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा बच्चा बॉय है या गर्ल है, बॉय है तो बॉय पे सर्कल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू, टिक द राइट नंबर 4 और 5। जब बच्चा नर्सरी या PP2 में होता है तो उसकी एज होती है 4 और 3.5। बच्चा इन नंबर्स में आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी एज क्या है। इस एक्टिविटी का जो बच्चे को फायदा होगा वो ये होगा, बच्चे को अपनी आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि वो कौन है, बॉय है गर्ल है, कितने इयर्स का है। और यहाँ पे जो ये कैंडल्स हैं और केक हैं, बच्चों का सबको केक बहुत ही फेवरेट होता है और बच्चा इसमें कलर करेगा। नाउ थर्ड एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है, हेल्प योर वार्ड टू लर्न द गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम, बच्चे को आंसर लर्न करना है माय नेम इज, जो भी बच्चे का नाम है। सेकंड इज हु आर यू, आंसर इज आई एम अ गर्ल और अ बॉय। यहाँ पे बच्चे का नाम क्या है, हमें बच्चों को हिंदी में भी उनको समझाना है, जिस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसमें बच्चों को क्वेश्चंस लर्न कराने हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट इज योर नेम, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं जो 3+ बच्चों को आने ही चाहिए। हु आर यू, आई एम अ गर्ल और अ बॉय। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 4 ईयर्स और 3.5 ईयर्स ओल्ड। Where do you live? यहाँ बच्चे को I live in Delhi, सोनीपत, वो जहां भी बच्चा रहता है उस सिटी का यहाँ पे नेम लिखना है। Next activity is Mother's Day, Happy Mother's Day। बच्चे को इस तरह की आप Mother's Day की कोई भी पिक्चर आप निकलवा सकते हैं और उस पे बच्चों को आप फ्री हैंड कलर करने के लिए बोलिए और आपको बच्चे को अप्रिशिएट करना है। यहाँ देखिए कलर निकला हुआ है बट फिर भी मैंने अपने बच्चे को बहुत दिया था, अप्रिशिएट किया था। नेक्स्ट एक्टिविटी अबाउट माय फैमिली। बच्चों को नर्सरी क्लास से ही माय फैमिली, अभी माय सेल्फ उसको बच्चे को पता लगे वो कौन है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी में माय सेल्फ, सर्कल द पर्सन हु कुक्स फूड फॉर यू, जो आपके लिए खाना बनाता है, आपके लिए फूड प्रिपेयर करता है, उस पे बच्चे को सर्कल करना था। अगर फादर करते हैं तो फादर पे सर्कल करना है, अगर मदर कुक करती हैं तो मदर पे करना है। इससे बच्चे को पता चलेगा कि उनका थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, बच्चा सोचेगा कि उनके लिए कौन कुक करता है फूड को। नेक्स्ट इज टिक द टाइप ऑफ फैमिली यू लिव, यहाँ बच्चे एक तरफ न्यूक्लियर फैमिली का ऑप्शन है और एक तरफ ज्वाइंट फैमिली का ऑप्शन है, बच्चे को यहाँ पे टिक करना है बच्चा किस फैमिली में
लीव करता है वो, अगर ज्वाइंट में करता है तो ज्वाइंट में, और न्यूक्लियर। इस एक्टिविटी से बच्चों को नर्सरी क्लास से ही पता चल जाएगा न्यूक्लियर फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं और ज्वाइंट फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, नेक्स्ट जब बच्चे को लर्न कराया जाता है वो उसके फैमिली मेंबर्स के नेम के बारे में कराया जाता है। जो एक्टिविटी बच्चे ने आगे की है उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज योर फादर्स नेम, बच्चों को पूरी लाइन लर्न करनी है, सिर्फ ये नहीं करना जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ बच्चों को आंसर ये नहीं देना वन वर्ड मिस्टर विकास, बच्चों को पूरा आंसर लर्न करना है। माई फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी बच्चे के पापा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मदर्स नेम, फुल आपको बच्चों को ये लाइन लर्न करानी है। माय मदर्स नेम इज मिसेज, जो बच्ची की मामा का नेम है। डू यू लिव इन अ ज्वाइंट और अ न्यूक्लियर फैमिली, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली में जब बच्चा रहता है तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स और चाचा चाची इनके साथ रहता है, तो बच्चों इनमें डिफरेंस समझा के यहाँ पे आई लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली लिखना है। अगर न्यूक्लियर में है आई लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली। डू यू लव योर फैमिली, यस अपनी फैमिली को सब लव करते हैं। यस यहाँ कोमा, यहाँ पे बच्चे को रुकना है। यस आई लव माई फैमिली, एक लाइन में हम इसको नहीं बोलेंगे यस आई लव माई फैमिली, नो यस I love my family। इस तरह से आपको इन बच्चों को इनको लर्न कराना है। इसका मैं पार्ट टू लेके आऊंगी नेक्स्ट को 3+। बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाती हैं स्क्रैप बुक में वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और एक्टिव रहिए। थैंक यू।